हेलो एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, 27-28 रुपए का ये शेयर अभी हो चुका है। आज 16% की बहुत ही बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आप देखिए, एक ही झटके में आज शेयर में उछाल आया है। एक ही झटके में 25 रुपए से सीधा शेयर 28 या 27 रुपए तक पहुंच गया है। तो काफी बड़ी तेजी हमें यहाँ पर आज देखने को मिली है। 12:30 बजे के बाद एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आई है और जिसने रेल विकास निगम को वापस से अट्रैक्शन में आके रख दिया है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो रेल विकास निगम के ऊपर मैंने पिछले कई वीडियोज बनाए हैं और हर वीडियो में मेरी बाइंग की एडवाइस रही है। अब देखिए, अक्टूबर महीने में 21 अक्टूबर को जब शेयर 18 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि 18 रुपए का शेयर खरीदने से पहले वीडियो जरूर देख ले, और मेरी बाइंग की यहाँ पर रेटिंग थी। उसके अलावा देखिए, रेल विकास निगम जब 23 रुपए का शेयर था, तब मैंने कहा था कि अब ये रॉकेट बनेगा, पूरा मामला जानिए क्या है, और पूरे रीजंस मैंने दिए थे कि क्यों मुझे लगता है कि ये शेयर में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा 16 दिसंबर को जब शेयर 23 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है, बड़ा धमाका इस शेयर में होने वाला है, नजर रखिए, छोड़ना मत इस शेयर को, और डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट होगा। और अभी हाल फिलहाल में 29 दिसंबर को भी मैंने रेल विकास निगम के ऊपर वीडियो बनाया था, और तब शेयर 22 रुपए के ऊपर था और मैंने कहा था कि बड़े खेल की तैयारी हो रही है, अभी भी मौका है, वीडियो जरूर देखें। और आप देखिए, आज वो बड़ा खेल हो चुका है। यहाँ पर आज 16% की रैली यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अभी भी यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और जो खरीदारी कर चुके हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रेल विकास निगम की। 27-28 का शेयर है और वाकई में आज इसने धागा खोल दिया है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो 15 से और 16% का ग्रोथ है। जनरली जो ग्रोथ है वो आज ही देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो एकदम सुस्त पड़ा था ये शेयर, एकदम सुस्त पड़ा था, हिलडुल बिल्कुल नहीं रहा था, बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुस्त पड़ा था ये। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में हालांकि 11-11.5% का ग्रोथ अब आ चुका है। प्री कोविड लेवल तक ये अब पहुंच चुका है। प्री कोविड लेवल, कोरोना से पहले भी ये शेयर 27 रुपए का हुआ करता था, कोरोना के चलते ऐसे गिरावट भी आई कि 11 रुपए तक टूट गया। लेकिन ये वो लेवल से जहां पर मैंने हमेशा कहा था कि इसमें आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है, जब भी गिरावट आए तब खरीदारी करनी है। ये वो शेयर है जो बहुत ही स्लो मूव करेगा, लेकिन जब रैली दिखाएगा तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा। 3 साल में भी अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि इसका जो आईपीओ है वो 2019 के अप्रैल महीने में आया था। उसके बाद अगर हम देखें तो अब तक का सबसे बड़ा हाई 29 रुपीज है और ये उच्च हाई की तरफ पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। मिड कैप शेयर है, 5,275 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो तकरीबन तकरीबन 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और अभी भी 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि 10 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड आज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी भी हो रही है, बिकवाली भी हो रही है और जनरली खरीदारी यहाँ पर ज्यादा हो रही है। प्रमोटर मतलब सरकार है, सरकारी शेयर है ये। 87.84% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर सरकार ओन करती है। 0.36% की होल्डिंग एफआई के पास है। 1.48% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर ओन करते हैं। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्डिंग थी 0.51 की, लेकिन वो उन्होंने बेच दी है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी शेयर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े यहाँ पर प्रमोटर है 87.84% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर उनका प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 8 FIIs का पैसा लगा है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.06% के आसपास देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम टेक्निकल रेटिंग भी देखें तो अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी ये शेयर और ऊपर उठ सकता है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, आप देखिए 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। उसके अलावा हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाएंगे तो देखिए, कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने हर क्वार्टर में बड़ा पैसा कमाया है। अब देखिए, रेवेन्यूज 4,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यूज देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी इनके 150 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है। इवन जून क्वार्टर जब लॉकडाउन का पीरियड था, पेंडेमिक का दौर था, तब भी 140 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था यहाँ पर इनका। और आप देखिए, 172 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में हुआ, दिसंबर में और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि भैया वैक्सीनेशन का काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, रेलवे का जो है वो भी
फुल फ्लेज में चलाई जा रही है रेलवे। चलाने का प्लान आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि रेलवे जो है वो वापस से फुल फ्लेज में काम करती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर पिक्चर में आता है रेल विकास निगम, क्योंकि रेलवे को वापस से फुल फ्लेज में चलाने से पहले रेलवे का इंस्पेक्शन होना जरूरी है, जितनी भी पटरियां हैं उनका इंस्पेक्शन होना जरूरी है, और वह ये काम करती है रेल विकास निगम। इंजीनियरिंग सेक्टर का ये शहर है, यही वो शहर है, यही वो कंपनी है जो जितने भी रेलवे ट्रैक्स है उनका उनकी मरम्मत करने का, बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने का ये काम कंपनी ये कंपनी करती है। और कंपनी की ऑर्डर बुक जो है ना वो बहुत 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 बड़ी है, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है इनकी। तकरीबन 75,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इनकी देखने को मिल रही है, और ये कंपनी के खुद मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा बताए गए शब्द हैं। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। हाल फिलहाल में एफपीओ को लेकर भी चर्चा चल रही है इनकी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करने जाए रेल विकास निगम की, अगर बात करूँ तो मैंने हमेशा कहा है यहाँ पर कि ये वो शहर है जो आपका पेशेंस टेस्ट करता है। हमेशा क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि एक अच्छी रैली यहाँ से आ जाती है, बाद में एक ही प्राइस रेंज पर वो अटक जाता है ये शहर कुछ महीनों तक। और यही वो पीरियड होता है जहां पर जो रिटेल निवेशक होते हैं वो अपना पेशेंस खो देते हैं और इस शेयर को बेच देते हैं, और उसके बाद एक बढ़िया रैली आ जाती है। फिर बाद में रिटेल निवेशक को लगता है कि यार अब मौका आ गया, अब मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन बाद में फिर से गिरावट आती है और एक प्राइस रेंज पर आकर ये शेयर दोबारा से अटक जाता है। फिर दोबारा तेजी आती है, लेकिन जितनी गिरावट है उससे बड़ी ही तेजी हमेशा देखने को मिली है। फिर से दोबारा ये शेयर वही इस तरीके से प्ले करता है। देखिए, एक बड़ी रैली दिखाने के बाद ये वो शेयर है जो कुछ महीनों तक सुस्त पड़ा रहता है, और उसके बाद दोबारा से एक बड़ी रैली दिखाता है। तो हमेशा मैंने आपको रेल विकास निगम ने एक ही सलाह दी है कि यहाँ पर आपको बाइंग करके रखनी है, कम से कम 3-4 साल तक आपको ये शेयर अपने पॉकेट में रखना है, और जब भी गिरावट आए यहाँ पर आपको एडिंग करना है, बल्कि बेचना नहीं है। बेचने की गलती मत करना इस शेयर को, क्योंकि ये जब भी गिरेगा उससे कई ज्यादा बड़ा बाउंस बैक भी दे देगा। आप में पेशेंस होना चाहिए इस शेयर को होल्ड करने का। अगेन, अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप में पेशेंस होना चाहिए इसको होल्ड करने का, ताकि गिरावट भी आए तो आप थोड़ी सी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर पाए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करिए, और मैंने आपको हर लेवल पर बाइंग की एडवाइस दी है, और मैं अभी भी कहूंगा कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी अभी भी करते हो तो आपको टुकड़ों में ही खरीदारी करनी है। हो सकता है कि 16% की तेजी दिखाने के बाद कल को वो 1-2% थोड़ा सा सुस्त पड़ जाए, फिर 1-2% की और थोड़ी बहुत गिरावट आए, या फिर 1 महीने तक ऑलमोस्ट फ्लैट चार्ट देखने को मिले, लेकिन 1 महीने बाद दोबारा ये एक बड़ी स्पाइक जरूर दिखाएगा। तो टुकड़ों में ही यहाँ पर खरीदारी करें। अगर आपको 1,000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर की क्वांटिटी खरीदे, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चले। यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है और ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली है। रेलवे ऐसा सेक्टर है कि भैया लोगों को इनकी जरूरत है ही है। आज भी अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का जो बड़ा सा तबका है वो रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगेन, मैं यहाँ पर ये चीज आपको कहना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा कि ये शेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते आप इस शेयर को। और जब भी गिरावट आती है यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। याद रहे, 2-3 महीने सुस्ताने के बाद एक बड़ी रैली की तरफ आगे बढ़ेगा, बाद में फिर से थोड़ा बहुत सुस्ताएगा, फिर से रैली की तरफ आगे बढ़ेगा। तो टुकड़ों में खरीदारी करिए और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का यहाँ पर प्लान लेके चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।